ऑल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ललितपुर नजाई बाजार स्थित राष्ट्रीय इंटरप्राइसेस, विजय इंटरप्राइसेस और बडकुल और कंपनी की दुकान और गोदाम पर शिकायत के बाद सेल्स टैक्स ने छापेमारी की है। छापेमारी में समूचे बाजार में हड़कंप मच गया। दिन भर चलती रही पूछताछ, बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा। सेल टैक्स के अधिकारियों ने तीनों के पत्रों की जांच की, जिनमें कमी पाई गई है। संबंधित अधिकारियों ने माल जांच कर पत्र दिखाने के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया है। पत्र की जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर की तीन फर्मों की शिकायत भी थी कि लोग बिल नहीं जारी करते हैं, तो इसमें राजश्री ट्रेडर्स, विजय इंटरप्राइजेस और एक बड़कुल एंड कंपनी की आज जांच की गई है। सारे प्रपत्रों की जांच की गई है और स्टॉक जो है वो सीज किया गया है। और चूंकि इनके द्वारा अभी प्रपत्र नहीं दिखाए गए हैं, तो इनको भी मंगलवार का समय दिया गया है, या कि अपने स्टॉक का मिलान कराएंगे तो फिर आगे कार्रवाई की जाए। क्या कमी नजर आई है आपकी? ये जब प्रपत्र दाखिल करेंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि इनके द्वारा अभी स्टॉक का कोई विवरण नहीं दिया गया, तो अभी मिलान आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाई है, तो जब मिलान लेंगे तो हो जाएगा। कानपुर नगर के रामादेवी चौराहे पर अवैध सब्जी मंडी और अवैध स्टैंड से लग रहे भीषण जाम को देखते हुए कानपुर नगर निगम और यातायात विभाग ने अभियान चलाकर सड़क पर लग रही सब्जी मंडी को खाली कराया और सब्जी विक्रेताओं को दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी है। वहीं नगर निगम विभाग के अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि रामादेवी सब्जी की वजह से यातायात बाधित हो रहा था, जिस पर नगर निगम की टीम और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर रामादेवी चौराहे के दोनों ओर अतिक्रमण खाली कराया और पूर्व में रामादेवी सब्जी मंडी रूमा में स्थानांतरित किया गया, लेकिन सब्जी के दुकानदार नहीं हटा रहे, जिस वजह से अभियान चलाकर सब्जी मंडी हटाई गई है। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार निषाद ने कानपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महानक की अध्यक्षता में गंगा नदी में 2,05,000 मत्स्य बीजों को प्रभावित किया। कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज के इस कार्यक्रम के लिए वो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद अर्पित करते हैं, क्योंकि जो काम मोदी और योगी के नेतृत्व में हो सकता है वो किसी भी सरकार में नहीं हुआ और ना ही हो सकता। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछुआरा समाज का उत्तर प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 80,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दो बड़े पुलों, 14 सड़कों के लोकार्पण और 22 सड़कों के शिलान्यास के अवसर पर गुरुवार को बहराइच पहुंचे प्रदेश सरकार के लोकार्पण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रयागपुर विधानसभा सुभाष त्रिपाठी द्वारा हुजूरपुर कुंडरसार मार्ग के आलापुरा में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को एक और बड़ी सौगात देते हुए हुजूरपुर कुंडासर 15 किलोमीटर मार्ग के दुरुस्त के लिए विभागीय अधिकारियों को पूरी तरह से एक तैयारी करने के लिए कहा है। साथ ही साथ प्रयागपुर शिवधा 10 किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए धन आवंटित किया गया। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से, जहां जिले के नौनतवा तहसील में दो पक्ष अपने मुकदमे की पैरवी करने आए कि अचानक दोनों आपस में किसी बात को लेकर जमकर मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही बता दें कि इस बीच तहसील परिसर में अराजकता को देख वकील की भी बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन उपद्रवियों ने वकीलों से भी अभद्रता की। इसके बाद स्थिति काफी बिगड़ गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। मारपीट में शामिल एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अन्य की तलाश की जा रही है। तहसीलदार न्यायालय के बाहर दो पक्षकारों के मध्य विवाद हो गया है। इस विवाद को शांत कराने के लिए जब अधिवक्तागण ने प्रयास किया तो उनके साथ भी उक्त लोगों द्वारा विवाद कर लिया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रयागराज जिले के गुरपुर थाना क्षेत्र के सुखू का पूरा चौराहे पर पिछले दिनों हुई मारपीट में घायल के इलाज के दौरान बुधवार को अस्पताल में मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में गुरुवार को थाना गुरपुर का घेराव किया। मिली जानकारी के मुताबिक गुरपुर थाना क्षेत्र के पवर गांव निवासी लालजी उर्फ मिन्नी पुत्र लामनपुर उम्र 30 साल ने अपने पड़ोसी श्याम बाबू के साथ 11 दिसंबर को मोटरसाइकिल से किसी काम से सुकू का पूरा गया हुआ था, जहां चौराहे पर पहले से किसी बात की खुन्नस के कारण राजन प्रजापति पुत्र हिंसालाल प्रजापति से वाद विवाद होने लगा, जिस पर वाद विवाद सुनकर राजन के साथी अजय लोहार शंकर मौके पर पहुंचे तो साथी के साथ वाद विवाद करने लगे। लालजी के साथ गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करने लगे, जिससे लालजी अपने आप को कमजोर समझकर मोटरसाइकिल से साथी श्याम बाबू के साथ वहां से भाग निकला। लालजी को भागता देख राजन ने अपने साथियों के साथ लालजी को गाली देते हुए पीछा किया। राजन को अपने साथियों के साथ पीछा आते देख भय की वजह से लालजी अचेत होकर सड़क के बगल गड्ढे में जा गिरा, जिससे वो बेहोश हो गए, जबकि ग्रामीणों के सहयोग से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें अस्पताल भेज दिया गया, जहां बुधवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जगह जमीन के बारे में हम लोग चमार है, वो कोहार है। चमार की जमीन में कोहार कहाँ जमीन रहेगी?
है कि तो आप लोग थाने पे आए हैं क्या कहा गया? अरे जान चली गई है, एफआईआर नहीं हो रहा था इसलिए हम लोग आए हैं। तो एफआईआर दर्ज हो गई है? एफआईआर दर्ज हुआ। क्या कहा पुलिस ने? प्रधान कुमार पुलिस ने क्या कहा? पुलिस कहा कि आप जाइए पोस्टमार्टम के बाद हम कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? बल्लूराम। बांदे की एक तहसील में तैनात महिला सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। आरोप है कि बाराबंकी में तैनाती के दौरान जिला जज द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। इतना ही नहीं, जिला जज द्वारा रात में मिलने का दबाव भी बनाया गया। महिला सिविल जज ने जिला जज के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज सिविल जज ने मुख्य न्यायाधीश से इच्छा मृत्यु की मांग की है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने नगर में तूफानी दौरे के दौरान 50 लाख से ज्यादा की परियोजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम लिमिटेड झांसी इकाई द्वारा थाना कोतवाली, थाना सिपरी बाजार, थाना प्रेमनगर, नारधीन हॉस्टल और बैरक भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने थाना कोतवाली में निर्माणाधीन हॉस्टल और बैरक का निरीक्षण करते हुए उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में दोयम दर्ज की सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित जो सामग्री मिली है उसी का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने थाना कोतवाली में 48 क्षमता के हॉस्टल बैरक का निरीक्षण करने पर पाया गया कि अभी तक काम पूरा हुआ है और भूतल पर कॉलम का कार्य चल रहा है, जबकि कार्य को मार्च 2024 तक पूर्ण होना है, जिसे संबंधित में इकाई प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि उपलब्ध न होने की वजह से देर से प्रारंभ हो रही है। कोतवाली में बैरक और विवेचना कक्ष का निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा जो किया जा रहा है उसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। उसमें जो भी निर्माण कार्य है उसकी गुणवत्ता को परखा, जो कि संतोषजनक पाई गई, और थोड़ा कार्य में जो स्लो प्रगति है उसको समय अंतर्गत पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया है कि मार्च तक जितने भी कार्य हैं वो समय अंतर्गत पूर्ण करा लिए। हरदोई में शाहबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बदमाश के पास से बाइक, अवैध असलाह, जीवर आदि बरामद हुए हैं। एसपी केशव चंद गोस्वामी ने बताया कि जनपद में हो रही चोरियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उनके द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना शाहबाद पुलिस टीम द्वारा मुस्तैदी की गई थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक शातिर चोर मोटरसाइकिल पर ग्राम दिलावरपुर थाना शाहबाद की तरफ जा रहे हैं। इस दौरान थाना शाहबाद पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की गई। ग्राम दिलावरपुर के निकट मिलन के ढाबे के पीछे मोटरसाइकिल पर सवार अभियुक्त द्वारा खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की गई, जिसमें जनपद में चोरी की घटनाओं में वांछित शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात हमारे शाहबाद थाना क्षेत्र के सांडी रोड में कुछ चोरों की सूचना मिली थी, जिसमें कि तीन चोर पकड़े गए थे शस्त्रों के साथ और सोने चांदी जेवरातों के साथ, और इनमें से एक सरगना भागने में कामयाब रहा था, जिसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने रात में कॉम्बिंग किया, शाहबाद पुलिस और हमारी टीम स्वाट की टीम ने, तो दिलावलपुर के पास थाना शाहबाद में उक्त फरार हुए अभियुक्त ने पुलिस पर फायर करना शुरू किया। और खबर उन्नाव से, जहां देर शाम स्कूल के पिकनिक टूर से 51 छात्रों को लेकर उन्नाव लौट रही प्राइवेट बस और रॉन्ग साइड से आ रही डीसीएम में सीधी भिड़ंत हो गई। जोरदार टक्कर लगने से बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर बस का अगला हिस्सा फ्लाईओवर पर अटक गया और बस नीचे गिरने से बच गई। बस सवार बच्चों और स्कूल स्टाफ में चीख पुकार मच गई। इस दौरान तीन छात्रों के अलावा बस चालक, कंडक्टर फ्लाईओवर के नीचे गिरने से हड़कंप मच गया। पुलिस और राहगीरों ने बस में फंसे स्कूल के बच्चों का रेस्क्यू किया। हादसे में घायल बच्चों समेत सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में हादसे की सूचना पर डीएम जिला अस्पताल पहुंची और घायलों का हालचाल जानने के साथ सीएमओ को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल, सीओ सिटी, एसडीएम और एडीएम मौजूद रहे। लगभग 7 बजे कानपुर लखनऊ हाईवे पर उन्नाव लखनऊ बाईपास के पुल के ऊपर एक बस की एक पहले पिकअप से एक्सीडेंट हुआ, फिर दोबारा जाके डीसीएम से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बस में स्कूल के बच्चे जो टूर से आ रहे थे बैठे हुए थे, जिनमें 3 बच्चे घायल हो गए हैं, और डीसीएम का ड्राइवर और खलासी और पिकअप का ड्राइवर, कुल 6 लोग घायल हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है, किसी भी प्रकार की कोई गंभीर इंजरी नहीं है। आगरा में छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है, बुरी तरह से छात्रा झुलस गई है। छात्रा पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। सहेली के साथ फोटो स्टेट शॉप पर गई थी छात्रा, 11वीं की छात्रा बताई जा रही है, उसकी पीठ पर एसिड अटैक हुआ है। एसिड फेंकने के चलते छात्रा झुलस गई। परिजनों की शिकायत पर अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर थाना शमशाबाद क्षेत्र के ठिरई गाँव का एक पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आज थाना शमशाबाद के ग्राम ठिरई के रामदास पुत्र करण सिंह थाने पर आके बताया कि
कल शाम को उनकी भतीजी फोटो स्टेट कराने के लिए गई थी। वहीं पर पीछे से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी पीठ पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया। इस सूचना के प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष शमसाबाद द्वारा मुकदमा कायम किया गया अंतर्गत धारा 326 ए आईपीसी और इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस थाना शमसाबाद की एसओजी की और सर्विलांस की तीन टीमों का गठन करके खुलासे के लिए लगा दिया गया है। बलरामपुर में यात्रियों से भरी रोडवेज बस नेशनल हाईवे 730 पर लोकहवा के पास पलट गई। बस पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी। सुबह 7:30 बजे की घटना बताई जा रही है। बस में 36 यात्री सवार थे। कईयों के बस में फंसे होने की आशंका है। घायलों को जिला मेमोरियल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में इलाज के लिए पहुंचे। बलरामपुर डिपो की बस संख्या UP-47T बढ़नी जा रही थी। केसरबाग लखनऊ से बढ़नी जा रही थी बस। बलरामपुर यात्री उतरने के दौरान 5 बजे बढ़नी से बस निकली थी। चालक संतोष कुमार सैनी की हालत गंभीर है। परिचालक मऊ के इटौरा गांव निवासी सूरज को भी कई गंभीर चोटें आई हैं। जो हमारे दोस्त हमारी सुबह जब इंफॉर्मेशन मिली तो हमारी 4 BLS और 2 LS यहाँ पे आ गए स्पॉट पे। जो कम सीरियस बहुत मामूली चोटें थे उन्हें उन लोगों ने तुलसीपुर से 80 लेकर गए। जो उनको लगा कि कुछ सीरियस है उनको जिला मेमोरियल अस्पताल लेकर गए, जहाँ पर एक ड्राइवर की स्थिति सीरियस थी जिसको कि मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए रिफर किया गया। श्रावस्ती में शांति पॉलीक्लिनिक हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग ने छापे मारा। सीएससी अधीक्षक बंघा डॉक्टर सत्य शरण और ACMO नोडल अधिकारी डॉक्टर डीके सिंह ने छापेमारी की। कागजात न दिखाने पर क्लिनिक और हेल्थ केयर सेंटर को नोटिस थमाया। बिना रजिस्ट्रेशन के एक ही बिल्डिंग में वैध रूप से पॉली क्लिनिक चल रहा था। बिना रजिस्ट्रेशन के बोर्ड लगाकर संचालित किया जा रहा था वैध क्लिनिक। डायग्नोस्टिक सेंटर 3 दिन के अंदर सभी कागजात प्रस्तुत करने के लिए क्लिनिक संचालक को नोटिस दिया है। भिनगा जमुआ मार्ग स्थित ककरा चौराहे का पूरा मामला। मोब में थाने परिसर में स्थित मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाई पुलिस। मंदिर से मूर्तियां चोरी होने के शक में इलाके में हड़कंप मच गया। मूर्तियां चोरी होने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राधा कृष्ण पंचमुखी हनुमान सहित काली माता की मूर्ति गायब होने से भक्तों में आक्रोश है। मंदिर परिसर के बाहर पड़ी थाली मिली थी, घंटी और अन्य सामान। कबरई थाना परिसर स्थित मंदिर का ही पूरा मामला है। ईट भट्टे से 23 बंधुआ मजदूरों समेत 44 को प्रशासन ने मुक्त कराया। डीएम कृतिका शर्मा के निर्देशन पर कार्रवाई हुई। ठेकेदार ने ठेके पर भट्टे पर मजदूरी कराने पहुंचा था श्रावस्ती। सभी लोगों का नाम पता नोट कर उनके गृह जनपद रामपुर भेजा गया। SDM समेत अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि चौधरी ब्रिक फील्ड मजदूरी के लिए रामपुर से श्रावस्ती लाए गए थे। बच्चों सहित 44 मजदूर बंधुआ मजदूरी कराए जाने के एक व्यक्ति ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। कौन इलाके के रामपुरवा इलाके के चौधरी ब्रिक फील्ड का पूरा मामला है। मीडिया के सवालों से SDM बचते हुए नजर आए। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग ने आयोजित किया किशोर स्वास्थ्य दिवस। DM कृतिका शर्मा के निर्देशन में आयोजित किया गया किशोर स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम। CMO AP सिंह ने आयोजन में शिरकत की। इकोना के टंडवा महंत में CMO ने प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आशा करियर एजुकेटर किशोर आंगनबाड़ी के साथ समन्वय सहित लोगों ने किशोर स्वास्थ्य दिवस में प्रतिभाग किया। CMO ने प्रतिभाग संघ सीधा संवाद कर स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक किया। धर्मनगरी हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के आने को रोकने के लिए वन विभाग मधुमक्खियों का सहारा लेने जा रहा है, जिसके लिए हरिद्वार वन विभाग द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसे वो अब वन विभाग ट्रायल करने जा रहा है, जिसके बाद इस प्लान को पूरे हरिद्वार वन प्रभाग क्षेत्र में लागू किया जाएगा। आखिर क्या है ये प्लान, ये लगातार आगे बताया जा रहा है कि हरिद्वार वन क्षेत्र के रेंजर शैलेंद्र नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि आए दिन जंगली जानवर हरिद्वार से जुड़े रिहायशी इलाकों में चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे वन विभाग द्वारा बनाई गई क्विक रिस्पॉन्स टीम की यही ड्यूटी रहती है कि वो दिन रात जंगल से शहरी इलाकों में आ रहे जानवरों को जंगल की ओर खरीदने का काम करें। इसमें हम पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं बिहाई फेंसिंग को लेकर, जिसमें हम क्या करेंगे कि कुछ तो हम मधुमक्खी के ओरिजिनल छत्ते लगाएंगे और कुछ हमारे जो छत्ते होंगे वो डम्मी होंगे, जिससे कि मधुमक्खियों की आवाज़ आए, जिससे कि हाथी जो है, ऐसा एक स्टडीज़ भी बोलती है और अफ्रीका में एक सक्सेसफुल स्टडीज़ भी रही है कि इससे इसका सहारा लेने से जो हाथी जो है रिहायशी इलाकों में एंटर नहीं करता है। तो ये हमारा अभी पायलट बेसिस पे इसे लॉन्च कर रहे हैं। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए बताया कि बहुत ही खूबसूरत और भव्य कार्यक्रम का आयोजन हरिद्वार के शिकुल मैदान में हो रहा है, जहाँ पर 121 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, इसके लिए शिकुल मैदान में व्यवस्था की गई है। यहाँ से सभी लड़कियों की विदाई होगी। हालांकि मुस्लिम लड़कियों का निकाह सराय में बिलाल मस्जिद के सामने खाली मैदान में कराया जाएगा। देखिए, बहुत ही खूबसूरत और भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। 121 निर्धन कन्याओं के विवाह का ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 50,000 से ज़्यादा लोगों की हम संभावना कर रहे हैं कि
आएंगे पूरे प्रदेश से, बाहर से भी लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे लोग, बाग हरियाणा से भी आएंगे जो लोग बच्चियों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। और उत्तराखंड में एक ये बहुत ही अद्भुत और अनूठा एक संगम और महासंगम होने जा रहा है। डोईवाला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रीत नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के काबीना मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान समाज कल्याण, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य एवं जल संस्थान, ऊर्जा निगम, जिला उद्योग आदि विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की योजनाओं के ग्रामीणों को जानकारी दी गई। प्रतीत नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करते हुए क्षेत्र विधायक और सरकार में संसदीय कार्य तथा वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी प्रमुख योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस यात्रा के माध्यम से पहले जनजातीय समुदाय और उनके बाद प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।